Hello everyone, in our previous video we have completed the question answer of chapter 1, that is check the correct fill ups and true false. Today we are going to do 10 words of the chapter. Whatever I am writing here, please write down in your notebook. The first question is name two inorganic substances which are used by phototrophs to make ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स का
न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखवाई थी, आप वो डेफिनेशन इस डेफरेंस में कर लेना 5th क्वेश्चन में। इसको स्किप नहीं करना है, जो नोट्स में मैंने डेफिनेशंस लिखवाई थी ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स की, उसके बीच में आप क्या करोगे, दो कॉलम बना लोगे, इधर ऑटोट्रॉप्स लिखना इधर हेटरोट्रॉप्स लिखना और दोनों की डेफिनेशंस उन कॉलम में लिख लेना। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंजाई में कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये सब अपनी नोटबुक में लिखो। अब 7th क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड, प्लांट्स कौन से प्रोसेस से खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम सनलाइट एंड क्लोरोफिल, required by plants to make photosynthesis, to make food by photosynthesis, sunlight और chlorophyll के अलावा plants को कौन सी चीजें चाहिए होती है जिससे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना खाना बनाता है, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहाँ से लेता है, एयर से लेता है, एंड वाटर, जो पानी हम रूट्स में डालते हैं उससे वो लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देना है, पहला है द गैस यूज इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होते समय कौन सी गैस यूज करी जाती है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद प्लांट्स कौन सी गैस बाहर निकालते हैं जो उनके लिए यूजफुल नहीं होती है, वो होती है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत यूजफुल होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नेम द पिगमेंट इन लीव्स व्हिच अब्सॉर्ब्स सनलाइट एनर्जी, लीव्स में ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जो ट्रीज की
एब्जॉर्ब करता है। ये हमारे सारे टेम्पल्स कंप्लीट हो गए। इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड पिकरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और इटरोट्रॉप्स का जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको करने के लिए दिया है, क्योंकि ये मैंने पहले करवा दिया, तो आप इसको ट्राई करना। यहाँ पे अपने सारे टेम्पलेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, ये सब अपनी नोटबुक में लिख लेना। थैंक यू।